अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं अभी मेरा चैनल ई स्पोर्ट गाय पी के। जो थोड़े दिन पहले क्वालिटी कंटेंट हुआ करता था, लेकिन मैंने उसका नाम चेंज कर दिया अभी किसी रीज़न की वजह से। तो मैंने जो है अपनी पहली वॉइस ओवर, आई थिंक दूसरी वॉइस ओवर वीडियो बनाई थी PMPL के रिलेटेड। उस पर बहुत ही अच्छी सपोर्ट आई थी कि आप और बनाओ वॉइस ओवर की वीडियो। तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी वॉइस ओवर की वीडियोस भी आएंगी चैनल पे। थैंक यू यार सपोर्ट करने के लिए। अभी हम 1000 सब्सक्राइबर के तो बहुत करीब आ गए हैं। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, जो जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरी वॉइस अगर आपको थोड़ी सी नॉइजी लगे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं आप, क्योंकि मेरे पास अभी एक प्रॉपर एक्सटर्नल माइक नहीं है। सो वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करें। बाकी आप सबकी सपोर्ट का यार शुक्रिया, बहुत बहुत ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हमारे चैनल को। तो चलें आज के हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं PEC के बारे में। PEC की जो फुल फॉर्म है वो है PEC लाइट चैम्पियनशिप, जो कि चाइना होस्ट करता है। चाइना में उसका एक लैन इवेंट होता है। ये 2020 का जो है पहला पबजी मोबाइल का इवेंट होएगा जो ऑफलाइन होएगा, मतलब लैन इवेंट होएगा, प्लेयर्स ऑनलाइन नहीं खेलेंगे। ऑनलाइन जो टूर्नामेंट होता है उसमें ये फ़र्क है कि प्लेयर्स जो हैं वो अपने घर या अपने बूट कैंप से खेलते हैं, लेकिन जो लैन इवेंट होता है ये पूरे क्राउड के सामने प्लेयर्स को खेलना पड़ता है। उसका जो है एक अलग सा प्रेशर होता है, और ज़्यादातर लोग जो हैं एंजॉय भी ये लैन इवेंट को ही करते हैं, जो कि इस पेंडेमिक की वजह से, जो कोरोना है उसकी वजह से इस साल एक भी लैन इवेंट नहीं हुआ पबजी मोबाइल का। PEC के अंदर जो है वो ज़्यादातर PMPL की टीम्स नहीं खेलेंगी। PMPL की वो टीम्स खेलेंगी जो अपने रीजन का PMPL खेल के फारिग हो चुकी हैं, जैसे BTR की टीम है इंडोनेशिया की, उनका PMPL ख़त्म हो गया। BTR ने इस दफा का PMPL भी जीत लिया है। जो अपनी फ्री स्टाइल की टीम है उसे PMWL की बेसिस के ऊपर मौका दिया गया है PEC में आने का, क्योंकि फ्री स्टाइल ने बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस दिखाई थी अपने PMWL सीज़न 0 के अंदर। तो इसकी बेसिस के ऊपर फ्री स्टाइल को जो है वो मौका दिया गया है कि वो PEC में परफॉर्म करें। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि PEC के अंदर जो पीस लाइट चैम्पियनशिप है उसमें फ्री स्टाइल पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। अभी जो है हम थोड़ी सी PEC की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या PEC है और इसका क्या। तो पहले जो इसके विनर की बात करते हैं, जो 2019 का था, 2019 का जो PEC का विनर था वो थी XQF। XQF के आपको मैं थोड़े फेमस प्लेयर्स बता देता हूँ, शायद आपको तब टीम का नाम पता लग जाए। पैराबॉय जो हैं वो बड़े फेमस प्लेयर हैं XQF के, लेकिन अब XQF जो है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने हायर कर ली, जो कि नोवा ई स्पोर्ट्स है, जो कि गॉड लाइक को भी स्पॉन्सर जिसने किया हुआ है। एक और बात जो PEC को अहम बना देती है वो ये है कि PEC के जो सारे मैचेस होते हैं वो पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन पे प्लेयर्स नहीं खेलते। प्लेयर्स जो हैं वो चाइना की जो अपनी पबजी मोबाइल है, जिसको गेम फॉर पीस कहा जाता है, जिसके मैकेनिज्म थोड़े से चेंज हैं, थोड़े से उसमें फ़र्क है, और ज़्यादातर जो है क्या नाम था उसको, जो मैंने सुना है कि एम से स्टॉफ करके जो है वो खेले जाते हैं PEC के मैच। एम से स्टॉफ होता है रूम मैचेस के अंदर, तो जो कि कंपटीशन को और अच्छा बना देता है। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ रहा है नोवा ई स्पोर्ट, जो पिछले साल की विनर थी। जो नोवा ई स्पोर्ट है वो XQF थी पिछले साल जो PEC हुआ था। आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टीम्स, मतलब कौन कौन से ग्लोबल लेवल से कहाँ कहाँ से है। तो जो 13 टीम्स हैं वो इनवाइटेड हैं पूरे ग्लोबल से, जो फेमस फेमस टीम्स हैं, और जो पाकिस्तान की भी उसमें एक टीम है फ्री स्टाइल। और बाकी मैं आपको जो कंफर्म टीम है वो बता देता हूँ। एक तो है KOG, जो सुपर वीकेंड जो हुए हो रहे थे पबजी PMWL के, उसमें मेरे ख्याल से 4th या 3rd पे रहती थी हर वक्त। और एक बॉक्स गेमिंग है, BTR भी कंफर्म है, और एक फ्री स्टाइल है। इन्होंने अपना जो है इनवाइट कंफर्म कर दिया हुआ, ये लोग जा रहे हैं PEC, इनके वीज़े भी लग चुके हैं। फ्री स्टाइल का तो आपको पता होगा वीज़े का हो गया वह सारा,
और जो दो टीम्स हैं चाइना की, वो उसमें तो एक तो नोवा है, नोवा जिसको एक्सक्यूएफ भी कहा जाता है वो है, और दूसरी टीम अगर मैं गलत ना हूँ तो वो है 4AM। 4AM है जिसको मोस्ट कंपोज्ड टीम भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इंडियन टीम्स की, तो मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो इंडिया से भी हैं, इंडिया से भी बहुत वीडियो देखते हैं। तो जो इंडिया की टीम्स हैं, मैं आपको बता दूं, ये तो मुझे जो लगता है ना, कंफर्म है 90% के इंडिया जो है वो PEC मुकम्मल बाइकॉट कर रहा है, PEC नहीं खेलेगा। पहली बात जो है, इंडिया के प्लेयर्स के वीज़े ही नहीं लग सकते चाइना के, क्योंकि आपको पता है जो भी उनका वॉर का मसला है इंडिया और चाइना का, जिसकी वजह से पबजी मोबाइल भी बैन हुई है। पबजी मोबाइल अगर बैन किसी और रीज़न से भी होती तो मे भी चले जाते, लेकिन उनका अपना वॉर का मसला है एक तो, और ऊपर से सिर्फ एक टीम को इनवाइट किया, ऑरेंज रॉक को, जिन्होंने कंफर्म किया था पहले, लेकिन जो स्काउट हैं उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे PEC को खेलने। अभी तो यही है कि मेरी तरफ से तो ये जो मुझे लगता है वो यही है कि इंडिया की कोई टीम नहीं खेलेगी PEC, और पाकिस्तानी टीम्स में से भी किसी को इनवाइट मिल सकता है PEC का, ये चांसेस हैं, एक दो इनवाइट और मिल सकता है PEC के लिए पाकिस्तानी टीम को, नहीं तो इंडोनेशिया की भी बहुत टीम्स हैं। पाकिस्तानी टीम्स में से एक या दो टीम को चांस तो मिल सकता है, ये तो सोर्सेस से पता लग रहा है। और जो ज़्यादातर अगर ये इंडिया का ऑलमोस्ट बॉयकॉट, या तो चाइना की भी दो टीम्स और आ सकती हैं, जिसमें एक तो होगी, एक जो आएगी DKG होगी, और एक जो चौथी है वो अंडरडॉग टीम है जिसका मुझे नाम नहीं पता, नाम याद नहीं है, लेकिन वो अंडरडॉग टीम जो मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ, ना इसकी डेट कन्फर्म है, ना इसका प्राइस पूल कन्फर्म है, ना इसके रैंकिंग स्टैंडिंग्स कुछ भी कन्फर्म नहीं है अभी तक तो। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि किस तरह का लैन इवेंट होता है, कैसा वहाँ पे जो है एटमोसफियर बन जाता है प्लेयर्स के लिए। तो ये मैं एक वीडियो साथ कोट कर रहा हूँ, एंट्रेंस एंट्रेंस की वीडियो है ये, प्लेयर्स की टीम्स की जो एंट्रेंसेस होती हैं लैन इवेंट के ऊपर, और आप जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो चेक कर सकते हैं। अभी ये वीडियो मैं साथ लगा रहा हूँ, आप चेक करें एंट्रेंसेस की। Please welcome Fnatic! आई होप आपको जो है ये एंट्रेंसेस की जो है वो वीडियो पसंद आई हो, कैसा जो है वो वहाँ पे एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो आप जो है अभी हमारे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को इसको लाइक कर दें। मुझे पता है मेरा वॉइस ओवर इतना कोई अच्छा नहीं है अभी, इतना पहले शुरू शुरू के ये वॉइस ओवर्स हैं, तो थोड़ा सा वॉइस को आप इग्नोर करें और इस तरह ही सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं ऐसी जो है वीडियो बनाता रहूं। काफ़ी टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, 3 to 4 months हो गए, कॉन्स्टेंटली अपलोडिंग चल रही है, और आप जो हैं वो इस तरह ही सपोर्ट करते रहें। इस वीडियो को लाजमी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना मुझे कि मैं जो है वो आगे किस तरह का स्टफ़ लेके आऊँ, क्योंकि जो है मेरा ज़्यादातर हाईलाइट्स के ऊपर होता है, कि मैं हाईलाइट्स जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो इसी आउटरो के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।